एक आई फैल्कन का 4K टीवी है, मैं टीवी को लाइन दे रहा हूँ, अभी मैं लाइन दे रहा हूँ, लाइन दिया, अभी मैं इसको स्टैंड बाय रिलीज कर रहा हूँ। स्टैंड बाय रिलीज हुआ, बैकलाइट आया बट नो डिस्प्ले, कहीं भी डिस्प्ले नहीं है, लाइट ओके है। अब इसको मैं ऑफ किया, ये टीवी आई फैल्कन का है। ये जो मेन बोर्ड है इसमें, ये जो मेन बोर्ड है ये राइट लेफ्ट दो साइड में गियर एफएफसी पैनल में, ठीक है, लेफ्ट राइट, ये इधर को गया, ये इधर को गया। तो इसमें हम लोग का अभी क्या देखना है, जनरली ये सीकेबी लाइन में शॉर्टिंग होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का डीसी आईसी अगर काम नहीं करेगा तब भी इशू आएगा, ठीक है। इसमें पैनल में कुछ नहीं है, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, सारा कुछ ये आप देख सकते हो, यहाँ पर डीसी आईसी लगा हुआ है। और इसका ये सब लेवल शिफ्टर का आउट, सॉरी सीकेबी लाइन का या डीसी का ये आउटपुट पिन है, ये सारा यहाँ से जा रहा है, देखिए ट्रैक, ये ट्रैक यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पर जा रहा है, फिर इधर से ये साइड में है तो फिर इधर भी है। अब मैं इसको एफएफसी खोल के दिखा रहा हूँ, ये जो एफएफसी है आप देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, अब ये सारा ट्रैक जो इधर से आ रहा था, यहाँ से निकल के जो ट्रैक आ रहा है, आप ये ट्रैक यहाँ पर आया और अंदर अंदर से फिर ये सारा ट्रैक देखे यहाँ पर चला गया, ये साइड को मतलब इधर में सीके भी लेना है और इधर का यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी इसमें ये मैं फिर लगाता हूँ, इसमें हम लोग का वोल्टेज बूस्टिंग हो रहा है कि नहीं देखना जरूरी है, तो इसके लिए मैं मीटर कैमरा को थोड़ा ऊपर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको डाला, कॉमन ग्राउंड यहाँ पर कर दिया। हाँ मैं टीवी को लाइन दे रहा हूँ, लाइन दिया, अभी मैं स्टैंड बाय रिलीज कर रहा हूँ, स्टैंड बाय रिलीज हुआ, बैकलाइट आ गया। अभी इसका अगर वोल्टेज चेक करें, हम लोग का सीकेबी लाइन का वोल्टेज देखना है, एबीडीडी बीजीएल बीजीएच हमको देखने का फायदा नहीं है, अगर है तो काम कर रहा है तो आउटपुट हमको मिलना चाहिए। तो आउटपुट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 0 वोल्ट, सेकंड रेजिस्टेंस में 0 वोल्ट, थर्ड में 0 वोल्ट, आगे और क्या देखना है, जब 1, 2, 3 में नहीं आया तो आगे कभी नहीं आएगा, सीधा बात है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, टीवी का फिर ऑफ कर रहे हैं, टीवी को ऑफ कर दिया। अभी अगर मैं एक साइड का निकालता हूँ, देखता हूँ इधर में अगर शॉर्टिंग है तो अभी वोल्टेज बनेगा, अगर नहीं बना तो इसको निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं टीवी को दोबारा ऑन कर रहा हूँ, स्टैंड बाय रिलीज कर रहा हूँ, स्टैंड बाय रिलीज हुआ, अभी इसको अगर वोल्टेज देखते हैं, अभी देख सकते हैं वोल्टेज आ गया, ये ओड एवन का लाइन मिल गया, देखिए ये भी ओड एवन है,
इसका मतलब है कि हम लोग का इधर में शॉर्टिंग है, इसका मतलब है हम लोग का इधर में शॉर्टिंग है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन इधर से भी गया इधर से भी गया, तो ये लाइन हम लोग का इधर जो गया है इधर का लाइन में शॉर्टिंग नहीं है, ओके है, तो शॉर्टिंग इधर में है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग का सी के वी लाइन को ब्लॉक करना है, ठीक है। तो मैं टीवी को ऑफ कर रहा हूँ, टीवी को ऑफ किया, मैं छोटा सा एक पेपर काटता हूँ, मैं एक पेपर लेके इसको काटूँ, टेपिंग करूँगा। तो मैंने काट के ये छोटा सा ले लिया, अब मैं इसको यहाँ पर डालूंगा। मैं इसको डाला, पेपर से मैंने इसको ब्लॉक किया, इधर का सी के बी लाइन, क्योंकि इधर का खोलने के बाद हम लोग का वोल्टेज बना, तभी मैं इधर का ब्लॉक किया, शॉर्टिंग अब नहीं रहेगा तो हमारा बूस्टिंग होगा। तो अभी मैं लाइन दे रहा हूँ, अभी स्टैंड पर रिलीज कर रहा हूँ, अभी स्टैंड पर रिलीज हुआ, अभी देखता हूँ दोनों लगा हुआ है, अभी वोल्टेज देख लेता हूँ। आप देखिए वोल्टेज ठीक है, ऑडिबल हो रहा है, कुछ वोल्टेज देखने का दरकार नहीं है, सिर्फ इतना ही देखना है कि बाकी सारा मेजर करके क्या फायदा है, कहानी तो यहीं पर होता है ज्यादा। तो अभी हम लोग इसका स्क्रीन देखेंगे कि क्या हुआ, कुछ हुआ, जूम आउट करता हूँ टीवी का। ये आई फैलकन में लगा हुआ है, टीसीएल में भी लग के आता है, 4K का पैनल है, ये 4K टीवी है। तो अभी हम लोग इसको टीवी को उल्टा करके हम लोग इसका स्क्रीन देखेंगे। अभी आप देख सकते हो ये हम लोग का स्क्रीन रेडी हो चुका है, कोई भी इसमें कोई लाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो ये कोई भी लाइनिंग नहीं है, एकदम ओके है, कोई भी लाइनिंग नहीं आ रहा है, एकदम एकदम क्लीन है, देखिए एकदम फ्रेश टोटल स्क्रीन ओके है अभी, ठीक है। तो ये सीकेबी लाइन शॉर्ट होने से हम लोग का कोई भी एक साइड में होता है तो हम लोग का ब्लॉकिंग करना पड़ेगा, कभी कटिंग करना पड़ेगा, कभी कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा इस टीवी में जो हुआ, मैंने जितना भी ब्लॉक किया, ऐसा नहीं कि आपका पास आने से आपका भी सेम होगा, कभी कभी हो सकता है कि आपका लाख पेपर कर दिया, मैंने जितना पेपर डाला उतना आपको हो जाएगा, कभी हो सकता है उससे कम ज्यादा भी करना पड़ेगा, हो सकता है कभी पेपर टेपिंग से नहीं होगा, आपको कटिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि टेप लगा दिया हमें सबका हो जाएगा, ऐसा गलत है सोचना, ठीक है। तो जो भी हो टीवी अभी रेडी है, अभी कोई इशू नहीं है, थैंक यू।